हेलो गाइस, मेरा नाम है रायान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि इलेक्ट्रिक साइकिल अनबॉक्स करने के लिए, तो देखो फाइनली इंडिया की सबसे ज्यादा सस्ती, सबसे ज्यादा चीपेस्ट इलेक्ट्रिक साइकिल मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। इसका नाम है ई मोटोराड X1 इलेक्ट्रिक साइकिल। आज इसको अनबॉक्स करके प्रॉपर तरीके से मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये साइकिल खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। लास्ट टाइम जब मैंने मर्सिडीज साइकिल को अनबॉक्स किया था तो आपको वो साइकिल बहुत ज्यादा पसंद आई थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो साइकिल को खरीदा भी था। तो आज देखते हैं गाइस इसको अनबॉक्स करके ये साइकिल कितनी तेज चलेगी और बैटरी के ऊपर भी ये कितनी देर तक चलती है, कितनी किलोमीटर तक चलती है, आज आपको मैं प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके बताने वाला हूँ। चलो बॉक्स को लेके चलते हैं, इधर फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे देखो इसके अंदर है हमारी ई मोटोराड X1 साइकिल, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा सस्ती साइकिल है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें यार, एक एक करके सारी चीजें मैं आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स है, शायद इसके अंदर इसके पैडल्स वगैरह होंगे, तो इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे एक और बॉक्स है, ये शायद इसकी बैटरी है यार। ओ भाई, काफी बड़े साइज की बैटरी दी गई है यार इसके अंदर। ये देख लो, लियोन बैटरी पैक मिला है इसके साथ, 36 वोल्ट 7.65 AH की बैटरी है, काफी पावरफुल बैटरी मेरे को लग रही है। फिलहाल इसको भी रखते हैं साइड में, अब निकालते हैं साइकिल को अंदर से। तो यहाँ पे हमारी साइकिल, तो साइकिल काफी ज्यादा भारी भरकम है यार, क्योंकि ये हाई टेंसाइल स्टील से बनी हुई है। तो देखो गाइस इस तरीके से ये पैक करके मेरे को मिली है, काफी सही पैकिंग इसकी मेरे को लग रही है यार। देखो पन्नी वन्नी चढ़ा रखी है इन लोगों ने, और ये भी लगा रखा है ताकि इसका फ्रेम एकदम प्रोटेक्टेड रह सके और इसके ऊपर से पेंट वेंट वगैरह ना निकल सके। तो चलो फटाफट से ये सारी पैकिंग हटाते हैं, फिर इसको फिट करते हैं फटाफट से। इसकी पैकिंग इतनी ज्यादा है कि यार देखो, मैं इसको कब से खोल रहा हूँ भाई, अब जाके इसका फ्रेम मेरे को नजर आया। वाह यार, क्या ही खतरनाक सा डिजाइन है इसका। इसको भी हटाते हैं एक बार यार, येलो कलर में तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये साइकिल। अच्छा, तो इसके दो कलर है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरफ ग्रे कलर है, इस तरफ एकदम डार्क येलो कलर दिया गया है। और इसके साथ जो व्हील्स मिले हैं ना मेरे को, ये देख लो, ऑल टेरेन वाले व्हील्स मिले हैं, यानी कि आप इसको कहीं भी चला लो एकदम बढ़िया तरीके से चलेगी। ऑफ रोड में भी आज इसको चलाएंगे, पानी में भी चलाएंगे, कीचड़ में भी चलाएंगे, हर जगह पर चलाऊंगा गाइस। तो ऑलमोस्ट देखो भाई, इसके ऊपर जितनी भी पन्नी वन्नी थी मैंने हटा दी है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं गाइस। देखो सिंपल चीजें यहाँ पे दी गई है, पूरी की पूरी साइकिल जो है ऑलमोस्ट फिटेड होके आई है मेरे को। यहाँ पे हैंडल लगाना पड़ता है, इसको सामने की तरफ करेंगे तो यहाँ पे हैंडल फिट हो जाएगा बहुत आराम से, ये टायर सामने की तरफ लग जाएगा। इसके साथ स्पैनर वगैरह भी मेरे को मिले हैं, तो उससे मैं इसको आराम से फिट कर दूंगा। और यहाँ पे पैडल्स लगाने पड़ते हैं, वो भी आराम से फिट हो जाएगी। और ये सीट देखो, ऑलमोस्ट यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, मैं शायद इसको इतने पे सेट करूंगा। सीट की क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की है, तो इसको टाइट करके यहाँ पे मैं आराम से फिट कर सकता हूँ। आप घर में ही खुद से ही इसको फिट कर सकते हो। तो इसके साथ एक और बॉक्स मिला था मैंने, जो कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें मिली है। ये है इसका चार्जर, ये बैटरी को साइकिल के ऊपर लगा के भी चार्ज कर सकते हो या फिर घर के अंदर लेके जाके भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से ये जो साइकिल है कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी, 0 से 80% ये 4 घंटों में चार्ज हो जाती है, काफी हैवी वाली है। तो इसकी जो चार्जिंग है आप यहां से देख सकते हो, 4 इंडिकेटर आपको नजर आ रहे होंगे, यहां से ऑन करके आप इसके अंदर देख सकते हो कितने परसेंटेज चार्ज है। 3 ग्रीन लाइट्स दिखा रही है, यानी कि अभी इसके अंदर 80% तक चार्ज है। और यहां पे देखो, और एक सेट ऑफ कीस मिली है इसको खोलने के लिए, इसके साथ टोटल 2 सेट्स ऑफ कीस मिलते हैं ये साइकिल को ऑन ऑफ करने के लिए। और ये साइकिल के ऊपर जो बैटरी है उसको निकालने के लिए या फिर लगाने के लिए आपको यूज करना होगा। और ये कुछ स्पैनर है, कुछ वायर्स वगैरह भी दिए गए हैं इसके साथ, शायद ये वायर्स नहीं है यार, पता नहीं। देखो इस तरीके के कुछ केबल्स वगैरह दिए गए हैं, ये स्पैनर है, ये इसके रिफ्लेक्टर है, आगे पीछे लगाने के लिए 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और देखो गाइस इसके अंदर यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, सामने के व्हील के अंदर भी रिफ्लेक्टर्स दिए गए। तो अब इसकी मैं हैंडल यहाँ पे फिट करने वाला हूँ, ये काफी इजी प्रोसेस है यार इसका हैंडल फिट करने के लिए। पोजीशन के हिसाब से आप इसको यहाँ पे फिट कर सकते हो, मैं इसको देखो एकदम फ्लैट हैंडल लगाने वाला हूँ। तो अब इसके पैडल लगाते हैं, राइट साइड वाला पैडल देखो आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है इस तरीके से। अब ये स्पैनर से इसको टाइट कर देते हैं,
पैडल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है भाई। इस तरफ का पैडल भी लगा देते हैं। अब ये जो पैडल है आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है इस तरीके से, तब जाकर ये फिट होता है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे ना गाइस, ये फिट ही नहीं होगा। अब इसका सामने का व्हील फिट करते हैं, तो इसके लिए पूरा साइकिल मैकेनिक बनना पड़ेगा यार। देखो इसको इस तरीके से लटाना पड़ेगा। ओके, व्हील ठीक ठाक तरीके से घूम रहा है, तो अब यहाँ पे इसके जो नट्स है उसको टाइट कर देते हैं। तो गाइस देखो हमारी साइकिल कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। सच में यार साइकिल काफी ज्यादा भारी वर्कम है, तो ओवरऑल साइकिल काफी ज्यादा कमाल की है। एक बार इसका लुक देख लो गाइस, आप क्या ही गजब की है भाई। ये जो हैंडल बार है काफी ज्यादा वाइड है, इस वजह से आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। यहाँ पे हम इसको जैसे ही लगाते हैं तो देख लो गाइस, यहाँ तक बैटरी फुल है ये, यहाँ एम्प्टी मतलब बैटरी एम्प्टी हो चुकी है। अभी ये तीन डॉट्स जो है आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर बैटरी अभी 80% तक बची हुई है। नीचे की तरफ यहाँ पे इसका सस्पेंशन है, सस्पेंशन मेरे को काफी सही लगा यार। सामने की तरफ और पीछे की तरफ आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इसकी रियर हब मोटर ये 250 वॉट पे काम करती है। इस मोटर का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, मेरे को तो लग रहा है कि ये मोटर कंप्लीट वाटरप्रूफ होगी, क्योंकि देखो यहाँ से कम्प्लीटली ये सील की गई है। तो अब इसके मोटर की पावर टेस्ट करते हैं गाइस। देख लो ऑन कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे इसका थ्रॉटल है, ये आधा हिस्सा थ्रॉटल है, यहाँ पे इसका हैंडल बार है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो देखो, ओ भाई ये तो काफी तेज घूम रहा है यार। अरे बाप रे, काफी पावरफुल मोटर लगी है गाइस इसके अंदर। इतनी खतरनाक ड्रिफ्टिंग तो हम लोग एक बाइक से करा सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये साइकिल ड्रिफ्ट कराने पे इतना ज्यादा मस्त तरीके से परफॉर्म करेगी। कितनी ज्यादा मिट्टी फेंक रही है, इतनी ज्यादा मिट्टी तो अपनी पावरफुल एक्स मैक्स फेंकती है जब हम इसके साथ ड्रिफ्ट वगैरह कराते हैं तो। ओके तो गाइस अभी मैं इसको चलाने वाला हूँ। अभी देखो मैं इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पे ही चलाऊंगा, देखते हैं कितनी स्पीड पकड़ती है। अभी मैं इसके अंदर फुल थ्रॉटल देने वाला हूँ। देखो मेरे साथ में एक स्कूटी भी चल रही है, स्कूटी अच्छी खासी स्पीड में चल रही है। अब मैं स्कूटी को टेक ओवर करने वाला हूँ, वो भी फुल हाई स्पीड में। सामने थोड़ा सा ट्रैफिक था पर मैंने स्कूटी को काफी आराम से ओवरटेक कर लिया। ये साइकिल हाई स्पीड में भी बहुत स्टेबल तरीके से चलती है। तो भाई साइकिल तो चलाने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर सिर्फ पैडल भी मारूंगा ना तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर पैडल असिस्ट सिस्टम दिया गया है। अगर मैं इसके अंदर एक बार पैडल मारता हूँ तो साइकिल काफी दूर तक जा रही है। ये को फुल स्पीड में चला के मैं एकदम सडन ब्रेक मारने वाला हूँ गाइस, देखते हैं इसके ब्रेक्स लग पाते हैं या नहीं, क्योंकि दोनों ही तरफ जो है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर दिए गए। ब्रेक्स बड़े ही खतरनाक है यार ये साइकिल के, सच में गाइस। अगर इसकी मैं हैंडलिंग की बात करूं तो आप खुद देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल की हैंडलिंग है ये साइकिल की। इतनी स्टेबल तो यार मेरी बाइक भी नहीं चला करती है, मैं पहली बार साइकिल की हैंडल छोड़ के चला रहा हूं। मेरे को लग रहा है अभी शायद ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मीटर में कितना दिखा रहा है देखो गाइस, आराम से 30 की स्पीड पकड़ सकती है फुल थ्रॉटल अगर आप देते हो तो। अगर ये साइकिल को आप और भी तेज तरीके से चलाना चाहते हो तो साथ में पैडल्स भी मारने पड़ेंगे। पैडल्स मारने के बाद इसकी स्पीड तो यार एकदम गजब तरीके से बढ़ने लगती है। इसको मैंने 45 से 50 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे भी चला के देखा है भाई, सच में जलवा है ये बाइक का। देखते हैं मिट्टी में चलाने पे स्लिप होती है या फिर नहीं। यहाँ पे सामने देखो गाइस बहुत ज्यादा मिट्टी है, बालू जैसी मिट्टी है यहाँ पे, इसके अंदर चलाते हैं। थ्रॉटल मोड पे ही मैं चलाऊंगा, ये देखो बहुत आराम से निकल चुकी है अपनी साइकिल। अगर गाइस नॉर्मल साइकिल होती तो इसके अंदर फिसल जाती। इसके टायर्स के ऊपर ग्रिप अच्छी होने के कारण ये बहुत आराम से चल रही है इतनी मिट्टी में भी। देखते हैं यार अपनी साइकिल इतने खतरनाक कीचड़ में से पानी में से निकल पाएगी या फिर नहीं। फुल थ्रॉटल मैंने दे दिया है। ओ भाई देखो निकल गई अपनी साइकिल यहाँ से। ठीक है अब ऑफ रोड में भी ब्रेक टेस्ट करते हैं। फुल हाई स्पीड में मैं ब्रेक लगाने वाला हूँ। ओ माय गॉड जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया है भाई साहब गजब की ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है इसके अंदर। तो गाइस साइकिल तो मैंने बहुत चला के देख ली है, साइकिल मेरे को काफी ज्यादा परफेक्ट काफी ज्यादा ऑसम लगी ये प्राइस के ब्रैकेट में। तो बाकी चार्जिंग आप देख सकते हो जितना मैंने घर से चार्ज करके इसको लेके आया था, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक पॉइंट इसके अंदर कम हुआ है। तो यार मैंने अभी तक शायद इसको तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर चला लिया है बहुत आराम से। ये साइकिल को पैडल असिस्ट सिस्टम से चलाते हो तो तकरीबन आप इसको एक बार चार्ज करने पे 40 किलोमीटर तक बहुत
बहुत आराम से चला सकते हो। अगर आप सिर्फ इसको टोटल देके ही चलाओगे तो तकरीबन 30 किलोमीटर तक ये साइकिल बहुत परफेक्टली चल जाएगी। तो ये साइकिल को मैंने बहुत देर तक चलाया है और यार मेरे को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई है अभी तक। अब इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इसे खरीद सकते हो। चलो गाइस अभी मैं दूंगा शाउट आउट। आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है नुसरत, अरमान, करण, हरिप्रीत, आदित्य, सार्थक, यश, उमर, विनायक, सुनील। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।